हे गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस अभी रात हो गई है, दिन में ज़्यादा ब्लॉग नहीं कर पाया क्योंकि गाइस आज बहुत बहुत ज़्यादा काम था। अभी यहाँ पे सैंक फिट कर रहे थे, देखिए हम लोग कितना अच्छा लग रहा है सैंक। और गाइस सुबह उठते उठते ना मैं हम लोग की जो बोर्ड होते हैं ना बोर्ड में शॉर्ट कर गया, पूरा आग लग गया था यहाँ पे, इसीलिए देखिए आज चार्ज भी नहीं है फोन का। और बोर्ड देखिए कितना तार छोटा हो गया इसका, इसका ये देखिए, और तार यहाँ पे रखा हुआ है इसका, ये देखिए ये सब, ये देखिए ये तार, ये पूरा आग जल गया था ऐसे, देखिए ये जला हुआ है ना, देखो जला हुआ है पूरा। तो बस पूरा शॉर्ट कर गया था यहीं पे, ठा करके बहुत गड़बड़ हो गया था काम आज। तो बस आज ज़्यादा ब्लॉग शूट नहीं कर पाया हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब कि काम था, बहुत बहुत ज़्यादा काम था, थका हुआ था बहुत ज़्यादा। तो आज जो है ना आज बहुत ज़्यादा कार्तिक की याद आ रही है। कल तो मैं 1-2 बजे तक जागा था और उसकी वीडियो देख रहा था, बराबर उसी की वीडियो देख रहा था, इतना ज़्यादा मिस कर रहा था ना उसको बहुत कर। देखो जब भी फोन आते हैं पप्पा तो कर लेता है, पर बाद में तो हम लोग ही तरसते हैं बच्चे पीछे। अब जितना मतलब कि जब जाना है हम लोगों को तो ऐसे है कि हाँ कब दिन कटे, कब जल्दी जल्दी जाऊँ, ऐसा लगता है मुझे, ऐसा फील होता है कि जल्दी जल्दी कार्तिक के पास उसको गोदी में लूँगा ना ऐसे करके, तब जाके मन शांत होगा। वैसे नहीं होने वाला, ये मेरा कुछ नहीं पता कि मैं कल ही चल जाऊँ ट्रेन पकड़ लूँ, जब मेरा दिमाग खस गया मैं कुछ नहीं देखता पैसा पूछा ना, फैमिली से बढ़ के कोई पैसा नहीं है, ये हमेशा ध्यान में रखना भाई। मैं तो यही कहूँगा भी कोई भी है ना आप हमेशा हमेशा अपने फैमिली को अपने पास रखिए, ताकि कोई भी दिक्कत हो तो मतलब कि एक दूसरे से मिलजुल के हैंडल किया जाए उसको, है ना। तो भाई कोई भी, मैं तो कहता हूँ कोई भी ना इस दुनिया में कोई भी ना फैमिली से दूर ना हो, कोई भी हमेशा फैमिली के पास रहना हमेशा ना। अभी देखो मैं 6 महीने हो गए, 6 महीने से मैं गांव नहीं गया अपनी फैमिली से दूर, देखो बहुत गाइस बहुत मिस करता हूँ लोग, अभी तो बहुत मिस करने लगे कुछ 2-4 दिनों से, तो बहुत ज़्यादा याद आ रही है मौके, ज़्यादातर तो कार्तिक ही आ रही है। अब जाऊँगा जल्दी जल्दी मिलूँगा उन लोगों को, है ना। तो भाई हम लोग अभी रह के काम करते हैं, आप सबको तो पता ही है यहीं पे रहते हैं हम लोग, यहीं पे काम करते हैं। मम्मी के पास जाएंगे संडे को जाएंगे, तब जाके अब जो अपना होता है ना अपना, जब अपने को मिलते हैं ना मन आता है ना, तभी अगला जाता है, जब जाते हैं तो बहुत बहुत ज़्यादा खुशी होती है अपने को मिल के। कहीं भी रहोगे ना तो अपनों का फ़ोन आएगा, अगर मुसीबत रहोगे तो वही पहले आएंगे। अभी हम लोग यहाँ पर आज दाल भात बना रहे हैं, है ना, दाल भात खाएँगे और दाल भात खाने के बाद खाने पीने आएगा फिर सो जाएंगे। अभी बस यहाँ पे ज़्यादा काम भी नहीं रहा, बस थोड़ा सा काम रह गया है ना, बस उसके बाद क्योंकि गांव जाने वाले हैं ना हम लोग, तो जब गांव जाएंगे उससे पहले पहले फाइनल कर देंगे यहाँ पे, ताकि गांव आराम से जाया हो और टेंशन भी ना रहे। इधर अपनी बाइक तो खड़ी हुई है, उधर दूसरा मोटरसाइकिल, दोनों हैवी है गाइस, हैवी है ना। तो गाइस मैं तो बहुत ज़्यादा दुखी था, बहुत ज़्यादा अपसेट, अब क्या करें, एक तो काम का प्रेशर, फैमिली का प्रेशर, EMI का प्रेशर, बहुत बहुत ज़्यादा हर एक चीज़ हैंडल करना पड़ता है। कल दिखाऊंगा आपको, कल का ब्लॉग बहुत मस्त होने वाला है क्योंकि कल पूरा कोठी का टूर दूंगा आपको, है ना। तो गाइस इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ क्योंकि आज ज़्यादा ब्लॉग नहीं किया, माइंड भी थोड़ा अपसेट था ना इसीलिए। तो गाइस इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ, ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करना, थैंक यू।